गाइस, आज हमारी मम्मी बना रही हैं तरबूजे के बक्कलों की सब्जी। तो ये सुन के ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मम्मी आगे क्या करने वाले हो आप? देखो, मैं इसको छोटे छोटे पीसों में काटने वाली हूँ। इस तरह से हम तरबूजे से ये बक्कल अलग कर लेंगे, जैसे कि क्या हुआ है। हम इसको छील लेते हैं, पहले छोटे छोटे में काट लेते हैं इसको। इसको हम इससे अलग कर देते हैं। हमने इसको निकाल लिया है छोटे छोटे, इसमें ये काट दिए हैं। अब ये सारे कट चुके हैं। अब इनको हम अच्छी तरह पानी में धो लेंगे एक बार। अब इनको हम अच्छी तरह पानी में धो देते हैं कि आपने अच्छी तरह धो लिए हैं। और अच्छी तरह ये धो गए हैं, अब इनको छोटे छोटे पीसों में काट देते हैं। छोटे छोटे पीसों में काट देते हैं। देखो, इसमें एक टमाटर और ये चार हरी मिर्च, एक प्याज, दो कली लहसुन की लेनी है और धनिया। सरसों का तेल यूज करते हैं, थोड़ा तेल गिरते हैं। इतने हमारा तेल पकता है, इतने हम प्याज को काट लेते हैं। इतने हम प्याज को काट लेते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि तेल इतना हमारा पक जाएगा। तो कली लहसुन की है, ये भी छोटा छोटा काट लेते हैं। ये हम थोड़ा एक चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा हमारा अच्छे से पक चुका है, देखो चटक भी गया है। अब इसमें हम पहले थोड़ा लहसुन डालते हैं, क्योंकि लहसुन सुनहरा हो जाएगा डालने के बाद में। तो हमें इसको हमारा सुनहरा हो गया है, तो हम प्याज डालते हैं। हम इसमें टमाटर को काट लेते हैं, क्योंकि इतने हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा। तो हम टमाटर काट देते हैं छोटा छोटा, लंबा लंबा टमाटर काट देते हैं। प्याज हमारी पक चुकी है, लाल हो जाएगी, तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। प्याज देखो थोड़ी लाल हो जाएगी ये, हाँ जब जल जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती, लाल हो चुकी है। हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च थोड़ी हो गई है, तो हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। मिर्च डालते हैं, क्योंकि हमने चार मिर्च लाल भी ली है। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालते हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसके गरम मसाला ये हम अच्छे से इसमें मैश कर देते हैं। इसमें थोड़ा हम पानी भी डालते हैं, ठीक है।
इसमें टमाटर की ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, मोक हो जाएगी। इसमें हमने थोड़ा टमाटर पानी डाला है, ठीक है। टमाटर हमारा अच्छे से मैश हो जाए। अब देखो हमारी ग्रेवी थोड़ी सी पक जाएगी तो अच्छे से ये मैश हो जाएगी। हमारी ग्रेवी देखो अच्छे से, टमाटर भी मैश हो गए, बढ़िया। देखो अच्छी तरह हमारा मसाला पक चुका है। देखो अच्छी तरह इसने तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। देखो अच्छी तरह पक चुका है। अब इसके अंदर हम ये सब्जी मैश करते हैं, तरबूज की सब्जी। हम इसमें ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी। इसमें आपको पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसी में ही हो जाएगी आपको। तो अच्छे से ये हमने मैश कर दी है, सारे मसाले डाल के हम इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। देखो अब ये हमारी सब्जी पक छोटा छोटा धनिया काट लेते हैं। और ये हमारा धनिया कट चुका है, हमारी सब्जी पक चुकी है। देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें धनिया डाल देते हैं। धनिया डाल के हम थोड़ा सा इसको चला देते हैं। ये तरबूजे के छिकल की सब्जी है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप अपने घर में भी बना के देखना, बहुत ही अच्छी बनती है।